पहली बार हम एक ऐसा संकल्प पत्र लेकर के आए हैं जिसमें हम मिडवे देश को हिसाब देने का हमने फैसला किया है, यानी 2022 के भी हमने लक्ष्य तय किए हैं और 2024 के भी लक्ष्य तय किए हैं। 2022 आजादी के 75 साल पूरे हैं। देश में एक प्रेरणा का वातावरण बनाना चाहिए, आजादी के लिए जीने मरने वालों का पुण्य स्मरण करना चाहिए। उसी से इंस्पिरेशन लेते हुए 125 करोड़ देशवासियों को देश को आगे बढ़ाने का भागीदार बनाना चाहिए और उसको ध्यान में रखते हुए हमने 2022 जबकि आजादी के 75 साल होंगे, हमने 75 कदम ऐसे तय किए हैं जिसको हम 2022 तक पूरा करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 23 और 24 में भी लोग मुझे पूछेंगे, भाई तुमने तो कहा था, क्या हुआ? इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेने का भूतकाल में किसी ने हिम्मत नहीं की, हमने की है। और मुझे विश्वास है, जैसे हमने कहा 2022 तक हिंदुस्तान के हर परिवार को, जिसके पास घर नहीं है उसको हम पक्का घर देंगे। हमने कहा 2022 तक हिंदुस्तान में कोई एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसको बिजली का कनेक्शन न हो। तो एक प्रकार से ईज ऑफ लिविंग उसको हम बल दे रहे हैं। दूसरा, हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, किसान की आय 2022 तक हम डबल करना चाहते हैं और उसमें इनपुट कॉस्ट कैसे कम हो, एग्रीकल्चरी पर एकड़ यील्ड कैसे ज्यादा हो, ज्यादा उत्पादन कैसे हो, फिर फूड प्रोसेसिंग को बल कैसे मिले, फूड स्टोरेज, ग्रेन स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, इन सब का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार हो। उसके बाद उसके साथ पशुपालन, उसके साथ फिशरीज, उसके साथ पोल्ट्री, उसके साथ हनी, ऐसे कई चीजें हैं उसको जोड़ना। और एक नया दृष्टिकोण हमने दिया है, अन्नदाता ऊर्जा दाता बने।